हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी लेकर आई हूँ। जी हाँ गाइस, हुंडई मोटर्स रिक्रूटमेंट 2022 निकल कर आई है, जहाँ पे 10वीं 12वीं पास जैसे लोगों को भी हायर कर रहे हैं। जी हाँ, हुंडई मोटर्स जो कि वेल रिप्यूटेड बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप जानते ही होंगे, यहाँ पर काफ़ी सारी अलग अलग लोकेशन पे हायरिंग चल रही है। महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, 18 साल की आपकी उम्र होनी चाहिए और बहुत ही इजी स्टेप के साथ आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, सैलरी आपको क्या मिलेगा, अगर आप 10वीं पास है तो आपको क्या पोस्ट मिल सकती है। जी हाँ, बने रहेगा मेरे साथ वीडियो की एंड तक। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन भी हिट करिए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट ऑन माय कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हुंडई मोटर्स रिक्रूटमेंट 2022 अप्लाई ऑनलाइन फॉर मल्टीपल वैकेंसीज बहुत सारी निकल कर आई हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पे शॉर्ट इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हुंडई मोटर्स कंपनी के बारे में आपको बताया गया है, पोस्ट के बारे में बताया गया। अब बात कर लेते हैं नीचे यहाँ पे डिटेल में। कंपनी का नाम हुंडई मोटर्स है और अप्लाई मोड इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। और सबसे बढ़िया बात यह है गाइस कि इसमें कोई भी फीस की रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ पोस्ट कौन कौन सी है और लोकेशन किस किस लोकेशन पे कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। HR टेक्निकल कंसल्टेंट की पोस्ट है, हैदराबाद सिकंदराबाद। HR ट्रेनी HR की मुंबई में है। कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मल्लापुरम में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पुणे में। ओरेकल डेटाबेस चेन्नई। IT सिक्योरिटी चेन्नई। IEA चेन्नई। AEM पर चेन्नई। और यहाँ पे देख रहे हैं काफी सारी वैकेंसीज आई हैं। जी, आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पुणे में रहते हैं तो सीनियर एग्जीक्यूटिव HR की है और गुड़गांव के रहने वाले SAP FICO कंसल्टेंट की यहाँ पे जॉब निकली है। जावा की है गुड़गांव में, दिल्ली NCR में एंड IoT डेवलपर गुड़गांव में है। तो गाइज, ये तो मैंने आपको लोकेशन के हिसाब से बता दिया कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट अवेलेबल है। अब मैं बताने जा रही हूँ इसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इंडिया के कहीं के भी रहने वाले हैं आप तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इंडिया में कहीं पे भी रहते हैं आप तो आप इसे बहुत ही इजी स्टेप्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल यानी महिला पुरुष दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। एंड फ्रेशर और एक्सपीरियंस, अगर आपको किसी भी चीज़ का, कोई भी फील्ड का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करते हैं, सैलरी यहाँ पे मेंशन है, हुंडई मोटर्स रिक्रूटमेंट 2000 सैलरी विल बी बेस्ड ऑन पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन। आपकी पोस्ट और आपकी कितनी पढ़ाई लिखाई है उसके आधार पर ही आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, एजुकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, 10वीं 12वीं डिप्लोमा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट। जी हाँ, 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आप अप्लाई कर सकते हैं और एक वेल नोन रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी के पास आउट होने चाहिए आप। ज्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कैंडिडेट की इमेज होनी चाहिए कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 49 ईयर्स की आप होने चाहिए। जी हाँ, और एप्लीकेशन फीस सबके लिए फ्री है, फॉर ऑल कैंडिडेट एप्लीकेशन फी इज फ्री। अब बात करते हैं नीचे डॉक्यूमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट्स के लिए एजुकेशन मार्कशीट चाहिए होगा, सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप 10th पास भी हैं, 12th पास भी हैं। ID प्रूफ में चाहिए होगा, आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड एंड आपका एक रिज्यूमे चाहिए होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस बेसिस पर होगा बताना चाहूंगी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो होगा, शॉर्ट लिस्टेड हो गया, बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट एंड सिलेक्टेड ऑन एप्टीट्यूड रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के बेसिस पर आपका एक एप्टीट्यूड रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका एक इंटरव्यू भी होगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा मैं आपको बताने जा रही हूँ। गाइस, अप्लाई करना लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप उसे क्लिक कीजिए और जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं पोस्ट को अप्लाई कर दीजिए बहुत ही इजी स्टेप के साथ। दोबारा बता देती हूँ, कमेंट बॉक्स में अप्लाई लिंक शेयर किया है, क्लिक करके आप अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग, स्किल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, हम जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। गाइज, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैं आपको सब कुछ वाली हूँ इस वीडियो में, तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सब कुछ बता दी है, किस किस लोकेशन पर है, कौन कौन सी पोस्ट है, सैलरी आपको क्या मिल सकती है इसमें और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आप पढ़े लिखे कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आप जल्दी ही जाइए और वेल नोन कंपनी जो ये मोटर्स, हुंडई मोटर्स हैं, अप्लाई कीजिएगा। गाइज, आज का वीडियो यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।